हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल हिट हंगर एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। पालक का सीजन है, ऐसे में हम पालक पनीर ना बनाएं ऐसा हो नहीं सकता, तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे पालक पनीर। पालक पनीर बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल एंड ईजी रेसिपी बताऊँगी। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी बनती है, तो चलिए पालक पनीर बनाना शुरू करते हैं। तो पालक पनीर बनाने से पहले हम कुछ तैयारियाँ कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लहसुन ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, थोड़ी सी हरी धनिया और हरी मिर्च ली है, साथ ही 3 प्याज और 4 टमाटर मीडियम साइज के रफली चॉप कर लें, ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी तैयारियां हो जाने के बाद अब हम गैस पर कोई बर्तन या कोई कढ़ाई रखेंगे, इसमें 1 लीटर जितना पानी डालेंगे। अब हम इसमें अच्छी तरह से धुली हुई पालक डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने पालक को अच्छी तरह धोकर रखा हुआ था और 10 मिनट के लिए इसे हम पका देंगे। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं पालक एकदम सॉफ्ट हो गई है कुछ इस तरह। तो 10 से 12 मिनट बाद जैसे ही पालक ऐसी दिखने लगे तो आप क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि हमने पालक को ज़्यादा नहीं पकाना है। तो इसके बाद किसी स्ट्रेनर या छन्नी की हेल्प से पालक के पत्तों को गर्म पानी से हमने तुरंत निकाल देना है, क्योंकि इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, पालक के पत्तों में थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें ठंडा पानी डाल दिया है, पालक जो है अच्छी तरह ठंडी हो गई है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो गैस पर एक कढ़ाई रख लेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दें, आप चाहें तो ऑयल की जगह घी का यूज़ भी कर सकते हैं। ऑयल या तेल जो भी है उसे अच्छी तरह गर्म होने देंगे। तो यहाँ पर तेल जो है अच्छी तरह गर्म हो गया है, अब हम इसमें लहसुन, हरी मिर्च और अदरक तीनों चीज़ एक साथ डाल देंगे और इसे 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक हमने इसे नहीं पकाना है कि एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाए, ऐसा हमने नहीं करना है। लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट हम इसे पका लेंगे। तो जैसे ही अच्छी तरह पक जाए अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने प्याज काट कर रखी है वो भी डाल देंगे और इसे भी हम कुछ देर पका लेंगे। प्याज को आपने इतना ही पकाना है कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, एकदम गोल्डन ब्राउन या ब्राउन होने तक ना पकाएं। तो यहाँ पर प्याज सॉफ्ट हो गई है, अब हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे और इन्हें भी सिर्फ 5 मिनट पकाएंगे ताकि बस ये सॉफ्ट हो जाएं। साथ साथ ही हम क्या करेंगे, इसमें 1/2 चम्मच के जितना नमक डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच नमक डाल लिया है, अच्छी तरह मिक्स कर लें और सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे पकाएं और गैस की फ्लेम ऑफ कर दें। तो यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है, अब इसे हम कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए और हमें ग्राइंड करने में कोई दिक्कत ना आए। तो अब हम क्या करेंगे, एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे, इसमें पालक डाल देंगे, साथ ही हरी धनिया भी इसमें हम डाल देंगे। पालक के साथ हरी धनिया का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। और लास्ट में जो हमने फ्राई किए हुए प्याज टमाटर ठंडे करने के लिए रखे थे उसे भी इसमें डाल देंगे। तो जार का ढक्कन बंद कर दें और इसे अच्छी तरह से ग्राइंड करके पालक का एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पालक का स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। सेम कढ़ाई गैस में रखेंगे, इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे, गैस की फ्लेम आपने एकदम लो रखनी है। तेल जैसे ही गर्म हो जाए इसमें अब हम 1/2 चम्मच के जितना हल्दी पाउडर डाल देंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच जितना धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच के जितना जीरा पाउडर इसमें डाल दें। साथ साथ ही हम इसमें 1 तेज़पत्ता भी डाल देंगे, लेकिन ध्यान रखें आपने क्या करना है, गैस की फ्लेम को एकदम लो रखना है, नहीं तो जो मसाले हैं वो सभी जल जाएंगे। तो लो फ्लेम में इस तरह मसालों को चलाते रहें और भून लें ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो तेल में अच्छी तरह चला जाए। तो मसाले जो हैं वो 2 से 3 मिनट में अच्छी तरह भून गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने पालक का पेस्ट तैयार करके रखा हुआ है उसे डाल देंगे। गैस की फ्लेम आपने अभी भी लो ही रखनी है, अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसे स्पून से चलाते रहें। तो यहाँ पर ग्राइंडर जार में थोड़ा सा पानी डाल के मैं बचा हुआ पेस्ट भी इसमें डाल रही हूँ, साथ ही 2 छोटे गिलास इसमें हम पानी डाल देंगे। मिक्स कर लें अच्छी तरह और 10 से 15 मिनट हम मीडियम फ्लेम पर इसे पका लेंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें पनीर क्यूब्स डाल देंगे और इसे भी 5 मिनट पका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पनीर के छोटे छोटे पीसेस किए हुए हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पनीर के पीसेस तैयार कर सकते हैं।
तो 5 मिनट तक पालक और पनीर पकाने के बाद इसमें हम 1 छोटी चम्मच के जितना गरम मसाला डाल देंगे और सिर्फ 1 से 2 मिनट पकाएंगे। ध्यान रहे, गरम मसाला डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना होता है, सिर्फ 2 या 3 मिनट इसे पकाएं। तो 2 मिनट पकाने के बाद हम अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। पालक का जो टेस्ट होता है वो हल्का सा कड़वा रहता है, तो आप चाहें तो लास्ट में थोड़ा सा 1 चम्मच के जितना इसमें फ्रेश मलाई या क्रीम डाल सकते हैं। तो बस तैयार है आपका बहुत ही टेस्टी पालक पनीर। आप इस पालक पनीर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही सिंपल एंड ईजी रेसिपी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हिट हंगर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माई नेम इज़ प्रियंका एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।